अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एजी इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यामाटो HMI की टच पैनल के बारे में बताऊंगा कि अगर टच पैनल कभी ख़राब हो जाए, काम ना करे, तो आप इसे किस तरीके से ओपन करके रिपेयर करेंगे। दोस्तों उसका मैं तरीक़ाकार आपको बताऊँगा और दोस्तों वीडियो के एंड तक देखना। एंड में मैं आपको इसका कैलिब्रेशन का तरीका बताऊंगा कि टच पैनल को किस तरीके से आप कैलिब्रेशन करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। ये देखें कि यामाटो HMI इसका मैंने ये टच पैनल को खोला हुआ है, ठीक है ना। ये टच पैनल है इसका, जो कि 4 स्क्रू की मदद से फिट होता है, ठीक है। इसके बैक साइड में 4 स्क्रू है। ये 4 स्क्रू को जब आप लूज़ करेंगे, ये देख लें, ये बैक साइड में, ये देखो दोस्तों, इसके बैक साइड में ये स्क्रू लगे होते हैं। ये स्क्रू को आपने लूज़ करना है, ठीक है ना दोस्तों। इस स्क्रू को लूज़ करेंगे, आप खोल लेंगे या डिसमेंडल कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों ये सामने वाली शीट को आपने ओपन करना है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इस शीट को, ये देखें, ये ओपन कर लिया आपने। ये इसकी पूरी कंप्लीट सर्किट है, ये देख लें। इसके अंदर फोटो डायोड लगे हुए हैं एक्सर वाई रो में, सही है ना। ये देख लें इसका, ये कैरोल कंपनी का बना हुआ है, ये कैरोल कंपनी का टच पैनल है। इसके अंदर डस्ट जमा हो जाते हैं इसके फोटो डायोड को। दोस्तों इस डायोड के फोटो डायोड को आपने क्या करना है कि सिर्फ आपने क्लीनिंग कर देना है, ठीक है ना दोस्तों। इस फोटो डायोड को अपने क्लीनिंग करना है। क्लीनिंग करने के बाद, ठीक है ना दोस्तों, अपने इसे दोबारा असेंबल कर देना है, ठीक है। ये देख लें अच्छी तरीके से, ये तमाम कंपोनेंट्स वगैरह लगे हुए इसके अंदर, ठीक है ना। इसको दोबारा आपने, इसको 4 स्क्रू की मदद से इसको दोबारा आपने फिट कर देना है। इसका तरीक़ाकार को आप देख लें, ये टच स्क्रू पैनल है, ठीक है। ये बैक साइड में दोबारा आपने ये 4 स्क्रूओं को लगा देना है, ठीक है ना दोस्तों। ये इसका पूरा टच स्क्रीन है, ये आप देख रहे हैं, ये देख लें दोस्तों, ये इसके स्क्रू हैं। एक फिट कर दिया आपने इसके, और LCD के ऊपर आपने 4 स्क्रू की मदद से इसको फिट करना है, ठीक है ना। ये देखें, ये LCD के ऊपर आपने इसे फिट कर दिया, ठीक है। ये देख लें आपका ये कंप्लीट, और ये टच, ये LCD जो है दोस्तों, ये शार्प कंपनी का है। इसका मेक मॉडल भी आप देख लें, ये शार्प कंपनी का है, ठीक है ना दोस्तों। आप ये अच्छी तरीके से देख लें, इसका तरीक़ाकार को समझ लें। आप इसे दोबारा आप असेंबल कर दें HMI के साथ, ठीक है ना। ये देख लें, इसे भी 4 स्क्रू की मदद से आप फिक्स करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। ये देखें, इसके भी 4 स्क्रू हैं। 4 स्क्रू की मदद से दोस्तों अपने इसे भी असेंबल करना है, ठीक है ना। ये तरीक़ाकार को आप समझ लें, ये आपने फिट कर लिया। इसके बाद आपने दोस्तों दोबारा इसके पैनल को फिट कर दें। इस पैनल को भी आपने, आप देखें टच स्क्रीन कैलिब्रेशन का तरीका देख लें दोस्तों, ये तरीक़ाकार को समझ लें किस तरीके से टच को आपने कैलिब्रेट करना है। गोल सर्कल को आपने इस तरीके से उंगली की मदद से प्रेस करना है, बाद में स्टेप को आपने प्रेस करना है। ये आपका टच स्क्रीन कैलिब्रेशन हो गया, ठीक है ना दोस्तों।